इसमें मयंक चौधरी। तो आज भाई काफी ज्यादा स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए क्योंकि आज जो है वो अपनी कार की डिलीवरी होने वाली है, जो कि स्कॉर्पियो एन रहेगी। थंबनेल टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कौन सी गाड़ी है। तो बाकी अब मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख लो भाई ये गेटअप अपन ने लिया, ये ऐसी कुछ टी शर्ट पहनी है, वॉच हो गई और ये हो गई जीन्स। तो टाइम जो है अपना मुहूर्त का वो मैं आपको दिखाता हूँ, 12 बजे है फिलहाल जो टाइम हो रहा है, वो हो रहा है 10:15। तो भाई अभी गाड़ी के लिए एक माला भी बोली हुई है, तो फटाफट से चल के माला ले आते हैं पहले गाड़ी के लिए। माला आपको दिखा देता हूँ कैसी डिजाइन की है, क्या है, मतलब बढ़िया लग रही है भाई। फोटो मेरे पास भेजी, बहुत ही बेहतरीन माला बनाई है। मैं आपको चल के ही दिखाता हूँ कैसी माला है, और बाकी फिर शोरूम तो अपन चल ही रहे हैं डिलीवरी लेने। भाई बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब हमारी सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है अब तक की, और भी महंगी गाड़ी आएंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए भाई ये वाली सबसे ज्यादा मतलब स्पेशल होने वाली है। तो माला वाली दुकान पे भाई आ चुके हैं, माला ले लेते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसी माला बनी है। तो अंदर चलते हैं एक बार दुकान के। माला ले लिया, अब आप देख लो कितनी बड़ी माला है, मतलब इतने बड़े ये बोरे से मैं मुझे दिए, और ये अपन ने गाड़ी के अंदर के लिए छोटी गुलाब की माला भी ले ली। तो अब एक बार चलते हैं, एक बार मैं आपको इसको शोरूम पे ही दिखाऊंगा ये कैसी है कैसी नहीं है। बाकी भाई ये देख लो बहुत भारी है ये, मतलब एक हाथ से उठाने में बड़ी जान सी लग रही है, लेकिन भाई माला एकदम टॉप है। आप जब आगे देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा मेरी तरह। तो इस टाइम जो है वो हम महिंद्रा के शोरूम पहुंच चुके हैं, देखते हैं अंदर चल के गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्या मतलब गाड़ी डेकोरेट इन्होंने कर दी या नहीं। बाकी अपन तो भाई अपनी माला ले ही आए हैं, माला से तो हम गाड़ी को सजा ही देंगे। तो चलते हैं महिंद्रा के अंदर, देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी है। अपनी कार जो है उस पैसे हटा रहे हैं क्योंकि अभी माला भी लगेगी और नंबर भी कार का आ चुका है, RJ14UJ3550। HSRP है और ये जो है अपनी लग जाएगी विंडशील्ड पर। और ये माला आ गई है, माला को भी अपन लगाएंगे, अभी आ चुकी है माला को भी, अब लगा कर देखते हैं कैसी लग रही है। बाकी नंबर प्लेट भी लग जाएगी, आजकल भाई दिल्ली जैसा ही सिस्टम कर दिया है, जैसे दिल्ली में बिना नंबर प्लेट के कार जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, सेम वे अब हर जगह कर दिया है मतलब। तो इसीलिए भाई नंबर प्लेट लगवानी पड़ रही है, वरना पहले चॉइस के नंबर की मन में थी, अब वो लेते तो डिले हो जाती डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी भी नहीं डिले करवानी थी। तो बाकी आप कार देख लो ऐसी लग रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो एक बार जो है वो माला लग ले देते हैं और मैं माला आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई माला एकदम बेहतरीन बनाई है, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। तो माला को एक बार लगवा देते हैं, बाकी देखो भाई गाड़ी ओवरऑल बहुत ही प्यारी लग रही है। और अपना नंबर लग के, बच्चों नंबर लगा के दिखाओ एक बार कैसा लग रहा है। हाँ तो भाई देख लो आप नंबर प्लेट लग के, कुछ ऐसी लगेगी, मतलब भाई लुक जम गया गाड़ी का, अल्टीमेट लग रही है। और माला अपनी लग जाएगी, उसके बाद मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। बाकी अपना मुहूर्त जो है वो भाई 12 बजे का है, वैसे तो अभी तो फिलहाल 10:30 ही बजे। तो एक बार ये माला लगने देता हूँ मैं, फिर आपको लुक दिखाता हूँ कार की। नंबर प्लेट जो है वो फ्रेम में सेट हो चुकी है, और फ्रेम में सेट होने के बाद ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है, काफ़ी बढ़िया ये लग रही है, मतलब अब ये लग जाएगी इस पर। और मतलब ये है दिल्ली वाले ही सिस्टम कर दिया, वरना भाई हकीकत बताऊँ ना, नई गाड़ी जब तक बिना नंबर के नहीं चलाते तो मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है नई सी है। लेकिन अब कोई नहीं, अब रूल नॉर्म्स है तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, मतलब शोरूम से गाड़ी जब निकलेगी, जब गाड़ी पे जो है नंबर प्लेट हो जाएगी, वरना निकलेगी नहीं। तो ये आजकल लफड़े हो गए, चलो अब कोई नहीं, लगवानी तो थी, एक महीने बाद लगती वो अब लग गई, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अब ये सेट हो रही है एकदम। कार पे जो है वो माला लग चुकी है, अब आप माला देख लीजिए भाई, माला की जो लुक निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब माला गाड़ी के हिसाब से ही बनवाई मैंने, एकदम बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। और ये अपना नंबर प्लेट भी लग चुकी है, RJ14UJ3550, पूरी माला एकदम नीचे तक आ रही है और काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है माला का। बाकी ये जो मेन आया है ना अब आपको दिख रहा है, ये इनसे है, मतलब ये डिलीवरी टाइम पर जला देते तो इससे काफ़ी अच्छा आता है गाड़ी का लुक, और बढ़िया एकदम सब चीज़ दिखती है। तो माल लग चुकी है फिलहाल, अभी हमारे पास आधा घंटा और बचा है, आधे घंटे बाद डिलीवरी लेते हैं और सब चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। और माल लगने के बाद लुक देख ही लिया, नंबर प्लेट लगी गई, बस अब आधा घंटा और बीतना चाहिए, उसके बाद जो है प्रॉपर डिलीवरी लेते हैं। फाइनली कार पे जो है वो अपनी पर्दा ढक चुका है, और पर्दे के अंदर वाइसा एकदम मस्त लग रही है, काफ़ी ह्यूज है, अब आप देखो मतलब कितनी बड़ी है ये, डायमेंशन वाइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब पर्दा इस पे ढक चुका है पूरा, और आगे पीछे हर जगह से डायमेंशन काफ़ी ह्यूज है स्कॉर्पियो एन की अपनी, बहुत ही क्लासी लुक एकदम निकल के आती है बेहतरीन। तो अब बस 15 मिनट की और बात है, 15 मिनट बाद जो है वो गाड़ी पे से पर्दा उठाते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर क्या डिलीवरी होती है, उसके बाद वीडियोस तो आती रहेंगी। बाकी भाई आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है,
मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही है, एकदम खतरनाक, दिल खुश है बढ़िया तरीके से। तो लेते हैं गाड़ी, 15 मिनट और इंतजार करना है बस, उसके बाद तो गाड़ी अपनी हो जाएगी। 57 इस टाइम हो चुके हैं, टेबल एकदम रेडी कर दिए, स्कॉर्पियो एन के पार्टी बॉम्बर और ये मिठाई भी आ चुकी है, तो बस 3 मिनट की देरी है, उसके बाद गाड़ी करते हैं अनव्हील और फिर तो बताते ही हूँ मैं बाकी, केक वगैरह सब चीज़ एकदम, मतलब वेट नहीं हो रहा, बस 11:58 हो गए आपसे बात करते करते, अब बस 2 मिनट और बची हैं। टाइम भाई स्पेशल गिफ्ट मिला है मुझे, डियर मयंक बेस्ट विशेस एंड हैप्पी मोटरिंग, बेस्ट रिगार्ड्स ऋषभ जी, जो कि मतलब पूरे जो JS 4-Wheel है उसके हेड हैं, हेड मतलब इन्हीं का ही है जो है सब कुछ, मालिक ही ये है। तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या है इसमें, स्पेशल की तो की चैन दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू काफ़ी। बाकी डिलीवर हो चुकी है गाड़ी, अब फीचर्स और एक बार समझ लेते हैं अच्छे से और इसको इसी में ही रख देते हैं अभी। बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा इस स्पेशल चीज़ के लिए, गिफ्ट के लिए महिंद्रा को। टाइम भाई डिलीवरी हो चुकी है, आपने देख ही लिया डिलीवर हो चुकी है, अब जो है फीचर्स एक बार समझ लेते हैं क्योंकि स्कॉर्पियो एन काफ़ी फीचर्स दे दिए अब कंपनी ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो एक बार फीचर्स एकदम अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं, क्या पता एक आध फीचर दिमाग से स्लिप हो जाए, हालांकि जो मोस्ट यूजफुल होते हैं वो तो मेरे को पता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। और एलेक्सा भी जो है वो एक्टिवेट करा लेते हैं हैंड टू हैंड ही, इसका मेन्यू बटन है, जैसे ही हम इसके बटन को प्रेस करेंगे तो सामने से ये मेन्यू ओपन हो गया, जैसे सपोज हमें फील के बारे में जानना है तो इस बटन को हमें इंटर करना है, इसी बटन को, अभी इसमें लो फील है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो ये जैसे हमने इसके उस पर गए तो ये हमको आपको रेंज दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, डिस्टेंस टू MPT बोलते हैं इसको, उसके नीचे ये माइलेज का आता है, यहाँ पर ये नीचे माइलेज दिखाता है 99.2 जो अभी तक माइलेज इसने निकाली है, अगर हमको माइलेज का रिसेट करना है नेक्स्ट अब कितनी माइलेज निकालेगा तो हमें इसका प्रेस करके होल्ड रखना पड़ेगा, देखिए फिर अब नई माले नीचे इसका जो है ये DF लेवल आ जाएगा, जो DF आज यूरिया डाला है, जो यूरिया, हाँ देसी भाषा में इसको यूरिया बोलते हैं, तो इसमें ये जो है ये आपका जो 10,000 किलोमीटर पे लगभग ख़त्म होगा तो आपको पहले ही वार्निंग आ जाएगी 2400 किलोमीटर पहले, जैसे मैनुअल लेना तो इधर कर लो, मैनुअल में गियर लगेंगे, फर्स्ट गियर में सेकेंड गियर लगाना है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में गए, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका टायर प्रेशर का आएगा, अभी देखो यहाँ पे टायर प्रेशर लो आ रहा है, कम है, तो आपके अलर्ट में दो चीज़ आ रही है, तो फ्यूल इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, टायर प्रेशर का आ रहा है, येलो वाला ये टायर प्रेशर का, तो आपका इसमें नॉर्मल 35 होना चाहिए, 35 चारों में, हाँ 35 जो है होना चाहिए, तो मैक्सिमम होगा 40 के ऊपर तो भी ये रेड आ जाएगा, ये टेम्परेचर दिखा रहा है, टायरों का टेम्परेचर, टायर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, ये पावर एंड टॉर्क का दिखा रहा हूँ, पावर और टॉर्क, इसी तरीके से वापस से मेन्यू बटन में गए नेविगेशन, इसमें क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे नेविगेशन चलता है बार बार हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, तो उसको डाइवर्ट ना हो इसके लिए यहाँ भी आप देख सकते हो, बट नेविगेट आपको यहाँ से करना पड़ेगा, नेविगेट करने के लिए यहाँ नेविगेशन पे जाएंगे, टच करेंगे, डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा, फिर डेस्टिनेशन पे जाने के बाद यहाँ जो भी एड्रेस जाना है सर्च करके हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, निकल जाएगी, तो ये नेविगेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, अलर्ट कोई भी अलर्ट आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि
इसमें टायर प्रेशर कलर दिखा रहा है और सेकंड आपका फ्यूल का, ऊपर नीचे करेंगे तो इससे आपको सारे चेंजेस होंगे। और ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में ड्राइवर को जो चीज़ें चाहिए होती है, ड्राइवर को ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ट्रिप ए और ट्रिप बी, इसमें दो ट्रिप आती है गाड़ी में, ट्रिप ए हो गया, इसको नीचे प्रेस करेंगे ट्रिप बी, तो इस ये टाइम निकाल रहा है। तो हम जैसे हमको ट्रिप ए और ट्रिप बी को जैसे मुझे रिसेट करना है, वापस इसी बटन को होल्ड रखना है, तो होल्ड रखेंगे तब होल्ड रखने के बाद जीरो जीरो हो जाएगा। अब कितनी स्पीड में एवरेज स्पीड कितनी देर चलेगी गाड़ी, कितनी दूर तक चलेगी, सारा इसमें दिखाएगा। हम कहीं पर ट्रिप करने जा रहे हैं तो हम इसको सेट कर सकते हैं। बाकी सेम वही आ गया, चुके हैं और गाड़ी का जो है वो अपना पूजन करा रहे हैं, पंडित जी आ चुके हैं पूजन करने, तो पूजन एक बार होने देते हैं। उसके बाद जो है वो शोरूम वालों ने 5 लीटर का डीजल के लिए बोला है, तो 5 लीटर डीजल डलाने के बाद एंड टू एंड टंकी भी फुल करा लेंगे और देखते हैं टंकी कितने की फुल होती है। तो फाइनली भाई घर पे भी गाड़ी ले आए हैं, घर पे भी एक बार पूजन करा लेते हैं। मंदिर में पंडित जी से तो पूजन करा लिया था, एक बार घर पे और पूजन करा लेते हैं अपना। गाड़ी देख लो भाई, मतलब अल्टीमेट लुक लग रहा है। माला ने तो भाई लुक एकदम इंक्रीज कर दिया है, कार के हिसाब से ली है माला। वैसी भाई अच्छी नॉर्मल ले लेते ना तो मतलब इतनी जचती नहीं गाड़ी के हिसाब से, ये माला एकदम बेहतरीन लग रही है। शोरूम पर किसी ने तारीफ करी माला की, और बाकी भाई जो रास्ते में देख रहा है ना गाड़ी वो मुड़ मुड़ के देख रहा है कि भाई ये क्या ही चीज लग रही है और क्या नहीं है। बाकी ओरिजिनल फूल है, कई लोगों को लगे आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल फूलों की माला बनवाई है भाई। अब घर पे और पूजन करा लेते हैं गाड़ी का। तो फाइनली भाई पूजन वगैरह सब चीज़ हो गया। जो मतलब पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा भाई, पहले ये भोले जी वेन्यू में थे, अब जो ये हैं ये स्कॉर्पियो एन में अपग्रेड हो गए हैं। हालांकि भाई मैं कौन होता हूँ भगवान जी को अब अपग्रेड करने वाला, वो तो पूरी सृष्टि के दाता हैं। बाकी भाई सब पूजन सब चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से हो गई कार की, और ये अपनी दोनों चाबी अपन को मिल गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दूसरी चाबी है जो वो 6 महीने बाद मिले। तो ये है पूजन वगैरह सब चीज़ हो गया है, बाकी एक बार डीजल की टंकी और फुल करा लेते हैं इसकी। उसके बाद मैं डिलीवरी वीडियो यहीं तक रखना चाहूँगा, बाकी फीचर्स वगैरह सब चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पता ही चलती रहेंगी। अब तो भाई अपनी हो गई है गाड़ी, ऐसे तो नहीं कोई ले जाएगा कि कोई कुछ कर देगा, तो आप अपनी गाड़ी है, आपको सब फीचर्स पता चलते ही रहेंगे। बाकी भाई बहुत अच्छा लगा आप लोग इस जर्नी में यहाँ तक जुड़े, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हैं तो बने रहें चैनल के साथ। अब स्कॉर्पियो एन को अपन पूरा खोल के बताएंगे बढ़िया से, कैसी गाड़ी है, क्या है क्या नहीं है, लेना वर्थ है नहीं है, तो बस आप चैनल के साथ बने रहें। बाकी भाई बहुत बहुत थैंक्स मेरी इस डिलीवरी वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग भाई अगर मेरे से बड़े हो तो अपना आशीर्वाद जरूर बनाएं, छोटे हो तो भाई ब्लेसिंग्स जरूर दें, और कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन करके जरूर जाएं। और भाई एंड में बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, इतनी बड़ी गाड़ी आई है भाई घर में। तो एंड में मैं भाई सबका थैंक्स कहना चाहूँगा दिल से, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो आप, कम पड़ रहे हैं वर्ड्स डिस्क्राइब करने को। तो बस मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, अब एक बार टैंक ऑल फुल करा लेते हैं इसका। 5 लीटर डीजल जो कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री देती है वो डल रहा है, जो कि 470 रुपये का ही आता है बस। तो 5 लीटर डल गया, अब इसको कर दो फुल। 5 लीटर डला लिया, लेकिन भाई इन हाथी जैसी गाड़ियों में 5 लीटर तो मतलब यूं लगाओ ये बस सूंघती हैं, तो इसीलिए टंकी भी इस टाइम जो है वो प्रॉपर फुल करा लेते हैं। ठीक है, कर दो चालू। तो एक बार देख लेते हैं कि कितने लीटर डीजल आता है इसमें। फर्स्ट टंकी फुल हो रही है अपनी स्कॉर्पियो एन की, जो है फर्स्ट टंकी फुल हो रही है। देखते हैं कितने लीटर आ जाता है और कितने का डीजल आ जाता है।
क्योंकि ये 57 लीटर का कंपनी बताती है इसके टैंक को, और देख लेते हैं अब कितना आएगा। फिलहाल मैं वो 47 लीटर डीजल अपना आ गया, 48 ही मान लो भाई, इसको डीजल आए 4500 लीटर रुपए का। पहली टंकी फुल जो स्कॉर्पियो एन की हुई है वो आप अंदाजा लगा लो 47 लीटर 4520 रुपए। टैंक फुल करा लिया, 4520 का टैंक फुल हुआ है 5 लीटर के अलावा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, डिलीवरी प्रॉपर ले ली, अब मैं भी थोड़ा गाड़ी को एंजॉय कर लूँ, सब काम कर लूँ। तो डिलीवरी वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं, बाकी सब चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी डिलीवरी वीडियो आपको कैसी लगी भाई ज़रूर से कमेंट करके बता दे, और कमेंट में अपना कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर से कह दे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से भाई स्कॉर्पियो एन आई है आज, जो कि इतनी बेहतरीन लग रही है, मतलब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई, जो इस पर माला लग रही है ना उस वजह से। तो डिलीवरी वीडियो यहीं तक रखना है, अगर आपको डिलीवरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।